झारखंड में 17 नवंबर का दिन पॉलिटिकल लिहाज से बेहद क्रूशियल रहने वाला है। उससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में गहमागहमी बढ़ गई है, लेकिन जेएमएम के लिहाज से एक बड़ा जो एक्टिविटी वो हुआ है कि गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा जी ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी का दामन थाम लिया है। उसमें मुख्य जो किरदार और मंच से जिनकी तारीफ हुई है वो सुधीर कुमार सोनी है, जेएमएम के विधायक हैं। सर, मंच से आपकी ये प्रशंसा हो रही है कि आपके तमाम जो प्लानिंग के साथ और तमाम आपके एफर्ट के साथ तमाम लोग पार्टी के शामिल हो रहे हैं, क्या ये सही है? पार्टी संगठन का निर्णय होता है, हम लोग उसको अमली जामा पहनाते हैं। पार्टी लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र, आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र निश्चित रूप से क्षेत्र विस्तार करना चाहती है, ये उसी की एक कड़ी है और ऐसी कई एक कड़ियाँ और आने वाले दिनों में दिखेंगी। मैं तो स्पष्ट ये मानता हूँ कि यह 7 सितंबर को जो हम लोगों का विशेष सत्र था, उस विशेष सत्र में 1932 और 27% ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की विश्वसनीयता झारखंडी जनता में और बढ़ी है। लोगों को ये लगने लगा है कि झारखंड की मूल भावनाओं का सम्मान अगर कोई पार्टी करेगी तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा। आने वाले दिनों में बीजेपी को और भी सेटबैक मिलने वाले हैं इस तरह? अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से पार्टी का प्रसार बढ़ रहा है, पार्टी की लोकप्रियता, पार्टी की स्वीकार्यता झारखंडी जनमानस में बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस मंच से भी जो षड्यंत्रकारी पंडुबियों का जिक्र किया, अजीब सी शब्दावली है, लेकिन तमाम लोगों ने कहीं ना कहीं इस बात को देखने की कोशिश की वर्तमान जो राजनीतिक हालात से जोड़कर। आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये तमाम चीज़ें झारखंड की राजनीतिक फिजाओं में है, सबको मालूम है कि कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं करने दे रहा है। तो ये बात निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री के वक्तव्य में आई होगी। तो मेरा यही मानना है कि झारखंड की जनता भी बहुत प्रबुद्ध है, वो भी तमाम चीज़ों को देख रही है और इस लोकतंत्र में जनता की अदालत ही सर्वोच्च अदालत होती है और जनता का अगर आशीर्वाद है तो उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगड़ना है। झारखंड की जनता जिसके साथ खड़ी है झारखंड में, उसी का बोलबाला। आखिरी दो सवाल, एक तो ये शक्ति प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? तमाम जिलों से लोगों को, कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है, क्या 17 नवंबर के मद्देनज़र? ये अगर पार्टी संगठन में लोग जुट रहे हैं तो वैसी स्थिति में इसको शक्ति प्रदर्शन कहाँ कहने की ज़रूरत है। भाई जो नेता आए हैं उनके भी समर्थक हैं, वो समर्थक उनके साथ चल कर आए हैं, निश्चित रूप से यही परंपरा रही है राजनीतिक तौर पर और वही परंपरा चल रही है। कल मुख्यमंत्री शामिल होंगे कि नहीं ईडी के बुलावे पर? ये माननीय मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, वो तय करेंगे कि उनको क्या करना। आप तक क्या इनपुट्स है? कुछ नहीं, मेरे पास राजनीतिक इनपुट्स रहते हैं, मेरे से आप पॉलिटिकल इनपुट पूछ सकते हैं। जी, आपने सुना, ये थे जेएमएम के विधायक सुदीव कुमार सोनू, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये शक्ति प्रदर्शन के लिहाज से देखने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से जो नए पूर्व गांडे विधायक हैं वो अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे, तो उनके साथ कुछ पार्टी कार्यकर्ता आए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री 17 नवंबर को ईडी के सामने शामिल जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस बारे में उनके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो चाहेंगे क्या तय करेंगे। फिलहाल मुझे मेरे कैमरा सहयोगी राजा दीजिए इजाज़त। नमस्कार। फैमिली, फ्रेंड्स या खुद को देनी हो ट्रीट, तो दे हॉट लिप्स के इंडियन, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल स्पेशल वेज एंड नॉन वेज डिशेस के साथ। हॉट लिप्स के एक्सपर्ट शेफ और हॉस्पिटलिटी टीम हमेशा रखे हेल्दी फूड और आपके वेल्दी मूड का ख्याल। हॉट लिप्स, गिव योर टेस्ट अ ट्रीट। विजिट नाउ